أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو मैं हूँ मोहसिन रजा और आप लोग देख रहे हैं 24/7 टीचर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों हमारी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की क्लास चल रही है और आज की जो हमारी क्लास है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग की वो हमारी क्लास नंबर 11 है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम लेक्चर पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपके एग्जाम में भी इस लेक्चर में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। दोस्तों मेरे इस कोर्स में ड्यूटी यही रहेगी कि मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कि हमारे लेक्चर्स में से कौन सा लेक्चर ऐसा है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। तो हमारा ये जो आज का लेक्चर है बीसीजी मैट्रिक्स के हवाले से ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, तो आप इसको जो है इंशाल्लाह केयरफुली सुनिएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी तैयारी कीजिएगा। दोस्तों आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग जो है ये देख लेते हैं कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर क्या पढ़ा था। दोस्तों पिछली क्लास के अंदर हम लोग एनवायरमेंट एनालिसिस के ऊपर बात कर रहे थे और हमारे पास जो एक टूल है एनवायरमेंट के एनालिसिस के लिए जिसको हमने कहा कि ये स्वैट एनालिसिस है उसको देखा। स्वैट एनालिसिस के अंदर हम लोगों ने देखा कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक हमारे पास इंटरनल एनालिसिस है और दूसरा हमारे पास एक्सटर्नल एनालिसिस है। इंटरनल एनालिसिस के अंदर कौन कौन से फैक्टर आते हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस इनको हमने देखा, और एक्सटर्नल एनालिसिस के अंदर हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आते हैं जिनमें अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स शामिल हैं इनको हमने विद इन डिटेल देखा। और विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन यू दीज टर्म स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। यहां तक तो थी हमारी पिछली क्लास। दोस्तों आज की क्लास में जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग बात करने वाले हैं बीसीजी मैट्रिक्स के हवाले से। इस पे हम देखेंगे कि हमारे पास चार फैक्टर होते हैं जिसमें स्टार है, कैश काउ है, डॉग्स है, क्वेश्चन मार्क है, और आखिर के अंदर हम ये भी देखेंगे कि पोर्टफोलियो से क्या मुराद है। तो चलिए दोस्तों हम आज की ये अहम क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पोर्टफोलियो। हम पोर्टफोलियो को देखते हैं कि पोर्टफोलियो बेसिकली होता क्या है। दोस्तों जब भी आपके सामने पोर्टफोलियो का जिक्र आए तो आपने अपने माइंड में फौरन से ही ये बात लेकर आनी है कि इट इज अ कलेक्शन, कि ये बहुत सारी चीजों की जो है वो कलेक्शन है। तो हम यहां पे पढ़ भी लेते हैं, पोर्टफोलियो मीन द बास्केट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड, कि ये पूरी एक टोकरी है जिसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है जो आप ऑफर्ड कर रहे हो वो उस बास्केट के अंदर शामिल है। तो हम यही कह सकते हैं कि पोर्टफोलियो मींस कलेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की कलेक्शन है पोर्टफोलियो, जो यहां पे जो है उसको किसी और अंदाज के अंदर बयान किया जा रहा है कि पोर्टफोलियो मीन बास्केट। आपने बास्केट की बजाय जो है वो ये याद रखना है कि पोर्टफोलियो मीन्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि ये डिफरेंट प्रोडक्ट की जो है वो कलेक्शन है। पोर्टफोलियो एनालिसिस इज मेजर एक्टिविटी इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वेयर बाय मैनेजमेंट इवेलुएट द प्रोडक्ट एंड द बिजनेस दैट मेक अप द ऑर्गेनाइजेशन, कि पोर्टफोलियो एनालिसिस जो है वो एक मेजर एक्टिविटी है व्हेन वी आर प्लानिंग द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जब हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हवाले से बात करते हैं तो हम पोर्टफोलियो को देखते हैं कि हमारे पास कौन सा पोर्टफोलियो है, मतलब ये कि आपके पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो उस पोर्टफोलियो के अंदर शामिल हैं। तो दोस्तों इसी हवाले से कंपनी ये देखती हैं कि किस मतलब पोजीशन के ऊपर हैं, तो इसके लिए जो है वो बीसीजी मैट्रिक्स को जो है वो फॉलो करती हैं। अब बीसीजी मैट्रिक्स क्या है, बीसीजी मैट्रिक्स इज अ टूल फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस, कि बीसीजी मैट्रिक्स है ये एक टूल है जो हम पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। इट इज डन ऑन द स्केल ऑफ रिलेटिव मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ। इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी मार्केट शेयर कितना है और हमारी मार्केट ग्रोथ कितनी है। द बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप इज मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म फाउंडेड बाय हार्वर्ड बिजनेस स्कूल आल्म ब्रूफ हैंसम इन 1963। ये जो बीसीजी मैट्रिक्स है ये हमारा बॉस्टन कंसल्टिंग एक ग्रुप था मैनेजमेंट का जिन्होंने डेवलप किया
पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए। ए टीम क्लूव, स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग। इसके अंदर हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास एक स्टार है, एक हमारे पास कैश काउ है और एक क्वेश्चन मार्क है और एक डॉग है। तो हम अपनी फर्म को या कंपनी को इन क्वाड्रेंट के अंदर रखते हैं और देखते हैं कि अगर हमारा स्टार के अंदर है तो हम देखेंगे कि हमारा जो रिलेटिव मार्केट शेयर है वो कितना है और मार्केट जो ग्रोथ है वो कितनी है। इसी तरह अगर हमारी जो कंपनी है वो डॉग्स के अंदर फॉल करती है तो फिर भी हम देखेंगे कि हमारा मार्केट शेयर कितना है, मार्केट ग्रोथ रेट क्या है, या कंपनी कितना अर्फा चलेगी कितना अर्फा नहीं चलेगी, कंपनी के लिए डिफरेंट जो स्ट्रेटेजीज हैं इन क्वाड्रेंट के हवाले से, वो हम आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले जो है BCG मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे चीजें इंक्लूड हैं, जिसमें स्टार है, कैश काउ है, क्वेश्चन मार्क है और डॉग्स है, इसको हम जो है वो एक स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं। अब देखें इसमें जो पहली हमारे पास है वो है स्टार। अब स्टार में देखें हमारे पास हाई ग्रोथ रेट एंड हाई मार्केट शेयर होता है। इसी तरह हमारे पास दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क के अंदर क्या है, हाई ग्रोथ रेट बट लो मार्केट शेयर, के इनका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज्यादा होता है और जो मार्केट शेयर है वो बहुत कम होता है। इसी तरह जो कैश का वो है लो ग्रोथ रेट बट हाई मार्केट शेयर। अगर हम वैसे ही कैश काउ को देखें, फिर अब आप अकेली काउ को देखें तो उसकी जो ग्रोथ है वो साल में तकरीबन एक ही बचा देती है, लेकिन जो उसका मार्केट शेयर है, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह डॉग्स हैं, तो डॉग जो है वो लो ग्रोथ रेट है और लो ही मार्केट शेयर है, कि उनकी भी तकरीबन ऐसे ही होती है साल के अंदर एक बार ग्रोथ, और जो उनका मार्केट शेयर है मतलब उनको जो वैल्यू है वो भी कम है। तो आप इनको नाम से ही याद रख सकते हैं कि क्या है ये हमारे पास जो है उस मैट्रिक्स के जो है वो समझ लें कि कंपोनेंट है, जिसमें स्टार है, क्वेश्चन मार्क है और कैश काउ है और डॉग है। तो दोस्तों अगली स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं और BCG जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको चार बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। इसमें जो डाउन है वहां पे हमारा मार्केट शेयर होता है, तो इसकी जो लेफ्ट साइड है वो हमारे हाई मार्केट शेयर को रिप्रेजेंट करती है और जो हमारी राइट साइड है वो हमारी लो मार्केट शेयर को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह हम अगर इसको वर्टिकली देखें तो वहां पे हमारी मार्केट ग्रोथ है, तो ऊपर जो है टॉप के ऊपर ये हमारी मार्केट हाई ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है और नीचे जो है वो बॉटम के अंदर वो हमारी लो मार्केट ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। अब दोस्तों हमारे पास जो है इन बॉक्सेस के अंदर जो है वो चार हमारे कंपोनेंट आएंगे जो BCG मैट्रिक्स के हैं। तो इसमें जो पहला है वो है क्वेश्चन मार्क, इसमें जो दूसरा है वो हमारे पास स्टार है, इसमें जो तीसरा है वो हमारे पास कैश काउ है और इसमें जो चौथा है हमारे पास डॉग्स है। तो अब यहाँ पे देखें अगर हम सिर्फ स्टार को देखें तो स्टार में देखें यहाँ पे हाई इसकी मार्केट ग्रोथ है और अगर हम नीचे की तरफ आते हैं शेयर की तरफ तो हाई ही इसका मार्केट शेयर है। अगर इसी तरह यहाँ पे मैं डॉग्स की बात करूं तो डॉग्स देखें यहाँ पे मार्केट शेयर की तरफ जो है वो लो इसका मार्केट शेयर है, और इसी तरह अगर हम हॉरिजॉन्टली इधर ग्रोथ की तरफ आते हैं तो वो लो ही हमारी मार्केट ग्रोथ है। इसी तरह अगर हम कैश काउ को देखते हैं तो कैश काउ जो है वो हमारी लो ग्रोथ है और मार्केट शेयर जो है वो उनका हाई है। तो ये हम पिछली स्लाइड के ऊपर देख भी चुके हैं। तो दोस्तों अब हम जो है ये हमारा जो पहला है क्वेश्चन मार्क, ये देख लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। अब यहां पे देखें लो मार्केट शेयर एंड हाई ग्रोथ इंडस्ट्री होती है। ऐसी सूरत हाल में कंपनी को जो है वो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है ताकि वो कंपनी अपना मार्केट जो शेयर है वो बढ़ा सके, क्योंकि इनका जो मार्केट शेयर है वो बहुत लो है। ऐसी सूरत हाल में कंपनी ये कोशिश करती है कि वो स्टार में चली जाए। जब कंपनी अगर ग्रोथ नहीं करती तो वो डॉग में चली जाती है। तो यहाँ पे कंपनी ये स्टार्ट लिखा हुआ है, तो ये स्टार्ट नहीं बल्कि स्टार है। तो जब कंपनी जो है वो क्वेश्चन मार्क वाली सूरत हाल यानी कि इस बॉक्स के अंदर होती है तो उसे बहुत ज्यादा पैसों की भी जरूरत पड़ती है और कंपनी की कोशिश यही होती है कि वो किसी तरीके से जो है वो अपना जो है हाई मार्केट शेयर करके स्टार वाले
बॉक्स के अंदर चली जाए। अगर वो स्टार वाले बॉक्स के अंदर नहीं जाती मेहनत करने के बाद भी, तो वो फिर डॉग्स वाले बॉक्स के अंदर चली जाती है। और जो कंपनी डॉग्स वाले बॉक्स के अंदर चली जाती है, मतलब उसकी मार्केट शेयर भी लो है और ग्रोथ भी लो है, तो फिर कंपनी जो है वाइंड अप होने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं होता। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा बॉक्स है वो है स्टार का। अब जब कंपनी किसी भी कोई भी कंपनी स्टार के अंदर पहुंचती है तो उनका जो मार्केट शेयर है वो भी ज्यादा होता है और उनकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो इस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए, इस हैसियत को बरकरार रखने के लिए कंपनी को जो है वाफर मिकदार में पैसों की जरूरत होती है। अगर कंपनी अपनी इस पोजीशन को बरकरार नहीं रख सकती, यानी कि ना तो हाई शेयर को और ना ही हाई ग्रोथ को, तो फिर वो कंपनी जो है कैश काउ वाले बॉक्स के अंदर चली जाती है। तो जब कंपनी कैश काउ वाले बॉक्स के अंदर जाती है, तो कैश काउ वाले बॉक्स के अंदर हमारे पास जो है यहाँ पे जो है वो लो हमारी ग्रोथ होती है और हाई जो है वो मार्केट शेयर होता है। तो अब जब कंपनी इस पोजीशन पे जाती है तो इसमें भी जो है उनको पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि जो आप काउ से ही समझ लें कि ये दूध तो देते रहते हैं, लेकिन अगर जो है इनकी ग्रोथ बहुत कम होती है तो इस सूरत हाल में कंपनी क्या करेगी, और गाय खरीदे, या तो फिर ग्रोथ अच्छी हो या सारी जो फरमायाकारी है उनकी वो बिल्कुल जो है वो बेमायने होती है, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है इन इंडस्ट्रीज की या कंपनी की वो बहुत कम होती है। तो इसलिए कंपनी जो है वो कोशिश ये करती है या तो अपनी पोजीशन जो है वो कैश काउ से निकाल के किसी तरीके से स्टार में आ जाए, या फिर जो है अगर वो डॉग्स की तरफ जलती है तो फिर वो कंपनी जो है वो वाइंड अप हो जाती है या फरोख्त हो जाती है। इसके बाद हमारे पास जो आखिरी बॉक्स है वो है दोस्तों डॉग्स का। अब डॉग्स के अंदर क्या होता है, लो मार्केट शेयर है और लो ही हमारी ग्रोथ होती है, तो ऐसी सूरत हाल में जो है कंपनी और ज्यादा मतलब सस्टेन नहीं कर सकती, कंपनी जो है वो फरोख्त हो जाती है या वाइंड अप हो जाती है। अब इसमें भी कंपनी ये करती है कि उनके जो एफर्ट्स हैं वो ये देखती है कि हमें इनके ऊपर रिटर्न कितना मिला। अगर रिटर्न जो है वो उनको ज्यादा मिल रहा है तो फिर कंपनी जो है अपने एफर्ट्स को मैनेज करती है और उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करती है। और इसमें भी जब डॉग्स के अंदर फॉल कर रही होती है तो इसमें भी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है, ताकि वो अपना मार्केट जो शेयर है उसको भी बढ़ा सके और अपनी जो ग्रोथ है उसको भी बढ़ा सके। और उसको बढ़ाकर कंपनी जो है या तो कैश काउ में आ जाएगी या फिर स्टार में चली जाएगी। और कंपनी की यही कोशिश होती है कि वो डॉग्स वाली सिचुएशन से निकल के स्टार वाली पोजीशन पे आ जाए और फिर लंबे अरसे तक उसी पोजीशन के अंदर रहे। तो दोस्तों ये था हमारा बीसीजी मैट्रिक्स। हम किसी आइंदा आने वाली क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि जब कंपनीज जो हैं वो क्वेश्चन मार्क वाली सूरत हाल में हो, डॉग्स वाली सूरत हाल में हो, स्टार वाली सूरत हाल में हो, या कैश काउ वाली सूरत हाल में हो, तो फिर कौन कौन सी स्ट्रेटेजी को जो है वो फॉलो करके जो है अपनी पोजीशन एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर चेंज करती है। तो ये इंशाल्लाह स्ट्रेटेजी के हवाले से हम आइंदा आने वाली क्लास के अंदर देखेंगे। फॉर द टाइम बीइंग जो है हम अपनी क्लास जो है यहीं पे खत्म करते हैं। और आज की क्लास खत्म करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बहुत अहम टॉपिक, जिसको हम बीसीजी मैट्रिक्स कहते हैं, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने ये बनाया था कंपनीज को पोर्टफोलियो के हवाले, एनालिसिस के हवाले से, जिसमें हम स्टार, कैश काउ और डॉग्स और क्वेश्चन मार्क्स को देखते हैं। और हमने साथ ही पोर्टफोलियो को भी देखा। मैंने आपको बताया कि कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज नोन एज पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए ही हम बीसीजी मैट्रिक्स यूज करते हैं। तो दोस्तों हम अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आखिर में मैं तमाम दोस्तों को यही कहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर किया करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो और मैं इसी तरह आप लोगों के लिए अच्छे लेक्चर बनाता रहूं। और मेरा चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला लेक्चर आप लोगों तक पहुंच सके और आप उससे सीख सकें। दोस्तों मिलते हैं अगली मार्केटिंग की क्लास में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।